गुड मॉर्निंग एवरीबडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट्स टाइप एंड द सरफेस टेंशन। ये जो है टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत काम आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो फ्लूइड में रिलेटेड होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे एनर्जीज़ हैं उसमें फोर्सेस कितनी लगती हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बेसिकली होता क्या है? ये फोर्स आप जैसे कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल में जो फोर्स लग रही हैं उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। यानी कि फोर्सेस between two molecules, two or more molecules, just like this molecule and this one molecule, the force acting on it, that is known as the intermolecular forces. It's depend upon it is of same type or maybe different type. ये intermolecular force जो हैं वो same molecule में भी लगती हैं और अलग अलग molecule में भी लगती हैं, और इसके example भी बताएंगे अभी आपको। The range, the maximum distance up to which the molecule can attract some other molecule is known as the range of the intermolecular forces. Intermolecular force यानी कि ये molecule है जहाँ तक इसकी force की value that it can attract, ये attract कर पाए। जैसे एक और में molecule बना, ये अगर इसे attract कर रहा है black वाला red को, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे रेंज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाएगा। ये भी आप ये कह सकते हैं सिर्फ मॉलिक्यूल्स के थ्रू में ही होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं बाद में इसी लास्ट में क्लिप में एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये कितने टाइप की होती हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेज, दे आर टू टाइप, दो तरीके की फोर्सेज हैं। वन इज द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव में क्या होता है कि जब सेम मॉलिक्यूल, सपोज एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल, ये सेम है। एग्जांपल लाइक आप ये कह सकते हैं आयरन का ले लिया, दोनों ही आयरन के बने हैं, आयरन सपोज आयरन, तो ये तो सॉलिड के केस में हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि ये कोहेसिव फोर्स है लिक्विड केस में, जस्ट लाइक वाटर, मगर मैक्सिमम जो है कोहेसिव फोर्स होते हैं वो सॉलिड में होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम टाइप सब्सटेंस इज नोन एज द फोर्स ऑफ कोहेसिव कोहेशन और द कोहेसिव फोर्स कोहेशन, दैट इज यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये कोहेसिव फोर्स है, कोहेशन फोर्स, कोहेशन जिसे बोल रहे हैं या कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ कोहेशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, ये मैं बता चुका हूँ आपको, सॉलिड में मैक्सिमम होती है, फिर लिक्विड और गैस में सबसे कम। इस तरीके से इसी वजह से सॉलिड्स में क्या होती है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप यानी कि, और इट रेजिस्ट टू डिफॉर्मेशन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। यानी कि अगर सॉलिड आपका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फोर्स, तो ये जो रेक्टेंगुलर है जिसकी वजह से रेक्टेंगुलर, ये कोहेशन की वजह से ही है, यानी कि मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए हैं इस तरीके से कि ये अपनी शेप जो है चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर शेप चेंज कर देंगे तो कोहेशन नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फोर्स है इसका कि कोहेशन जो है सेम टाइप में लगता है। इसी वजह से इसका करेक्टर जो है सॉलिड का, इट्स एग्जिबिट द रिजिड करेक्टर, रिजिड यानी कि अपनी चेंज नहीं करता शेप, और उसकी डेफिनेट शेप होती है कोहेशन में। इसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर लें, दो मैंने सॉलिड लिए सपोज, दो सॉलिड ले लिए, इनको प्लेन है उसमें काटा और दोनों को चिपका दिया। अब इन दोनों को अगर आप सेपरेट करें, किधर से खींच रहे हैं किधर से, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपेरेटिवली अगर हम लिक्विड लेते हैं, तो लिक्विड में जैसे आपने जो है आयरन मर्करी ले लिया, मर्करी के मॉलिक्यूल को सेपरेट करना भी थोड़ा टफ होगा, मगर गैस के मॉलिक्यूल को टफ आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो है कोहेशन फोर्स मैक्सिमम सॉलिड में होता है। फिर इसके बाद आता है आपकी नेक्स्ट इज एडिशन।
एडिशन जो है बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड द फोर्स ऑफ कोहेशंस, या फिर आप कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हैं। कोहेशन मतलब आपका जब हम दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में फोर्स की बात करेंगे तो उसे कोहेशन कहा जाएगा। जैसे चौक जो है बोर्ड पर हम लिखते हैं तो कोहेशन की वजह से ही चिपक जाती है। दूसरा एग्जांपल, जैसे ये बोर्ड है हमारा, बोर्ड पे चौक से लिख रहे हैं तो स्टिक मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, तो इसे बोलते हैं कोहेशन। दूसरा इज आपका ये ग्लू, से ग्लू यानी गम, गम यानी कि गोंद, गोंद से वुड जो है फूड को चिपका देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं, पेपर को चिपका देते हैं, ये उसी की वजह से होता है। या पेंट जो है वॉल पेपर पर आप अगर लगाएंगे तो वो चिपक जाता है, कोहेशन की वजह से ही लगता है। स्टार्च टू द फिंगर, चौक पार्टिकल बोर्ड पे चिपक जाते हैं। वाटर जो है आपका कंटेनर पे चिपक जाता है। ये सब एग्जांपल है कोहेशन फोर्स की। अब नाउ द सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन क्या होता है? इट इज़ फाउंड व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स सच एज ग्रेविटी, इट टेक द शेप ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप। जैसे कि आप देखेंगे पानी जब आसमान से गिरता है तो वो ड्रॉपलेट जो है स्फेरिकल बन जाती है, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही आता है। यानी कि दिस मीन्स द सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द लीस्ट सरफेस एरिया। अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए जो ये सरफेस एरिया इसका स्फेयर का सबसे छोटा होता है, तो हर एक लिक्विड कोशिश करता है कि वो जो है स्फेयर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि लीस्ट अपना सरफेस एरिया बनाए, लीस्ट यानी सबसे कम। अगर आप कोई सी भी बॉडी बनाएंगे तो सबसे कम जो है स्फेयर की बनेगी, उसका सरफेस एरिया का क्यूब कर लेंगे या क्यूबॉइड कर लेंगे या कोई और कोन कर लेंगे तो सबका जो है चेंज होता जाएगा, मगर स्फेयर का सबसे कम होगा। तो इसीलिए ये जो है सरफेस टेंशन का, दिस मींस द सरफेस ऑफ एवरी मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू हैव लीस्ट सरफेस एरिया, सबसे कम, एंड इन दिस रिस्पेक्ट इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। मेम्ब्रेन आप ये कह सकते हैं जैसे कि देखने के लिए कोई ऐसे स्फेयर है और उसमें एक लाइन खींच दिया आपने तो ये आपस में खींचने लग जाएंगे। एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये जैसे यहाँ पर वाटर में है, आपने एक लाइन ए बी ड्रॉ कर दी तो वाट मॉलिक्यूल जो है आपस में क्या करना है, खींच रहे, तो इसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। डेफिनेशन में देखेंगे that this tension in the surface of the liquid is known as surface tension, जो दोनों ही direction में खींचेंगे। जैसे मैंने अभी लाइन में दिखाया आपको ए बी, कोई भी direction आप खींचते ऐसे खींचेंगे तो इधर इधर से मतलब ये रेड वाली साइड पर इधर इधर और इधर खींचेंगे तो ये सरफेस टेंशन की बात थी। जैसे यहाँ पर दिखा रखा ए बी, यहाँ दिखा रहा ए, ये रहा आपका पॉइंट बी, इसमें हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये जो स्ट्रेच हो रहा है आपस में इधर इधर जो मेम्ब्रेन, तो ये जो है आपका सरफेस टेंशन कहा जाता है। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी, इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होती है कि उसके बारे में बता देना, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी, मॉलिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ऑन द एवरेज मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻ मीटर। इतने 10⁻⁻ मीटर तक की क्या होनी चाहिए, इसकी रेंज होनी चाहिए। एंड इट एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि 10⁻⁻11 न्यूटन पे लगती है। इसकी रेंज जो है 10⁻⁻10 की मीटर की होती है। तो ये मॉलिक्यूल अगर बढ़ जाएगा तो ये रेंज, अगर मॉलिक्यूल के बढ़ जाएगा तो ये फोर्स नहीं लगेगी और ये मॉलिक्यूलर फोर्स में सरफेस टेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट यानी कि मिलेगा नहीं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन रहता है बिटवीन द चार्जेस। और अगर ग्रेविटी का आप इसे कंपेयर करें, द ग्रेविटी फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ -10 इज ओनली 10⁻⁵0 न्यूटन, इतनी न्यूटन की होती है 10⁻⁵0 न्यूटन। और जो इलेक्ट्रिकल की जो हमारा आ रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आ रही है 10⁻⁻11 न्यूटन, तो ग्रेविटी नहीं एग्जिस्ट करती उसमें।
मॉलिकुलर फोर्स डू नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है आपका कूलम्स लॉ हुआ, आपका दूसरा ये कह सकते हैं आप बायो सर्वेट लॉ रहा। जिन्हें ये नहीं मालूम है बायो सर्वेट लॉ कूलम्स लॉ, वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मॉलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस में ही एग्जिस्ट करती है और दे आर कॉल्ड द शॉर्ट रेंज फोर्सेज, शॉर्ट रेंज फोर्सेज कहा जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू द मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट द सम अदर मॉलिक्यूल इज नोन द रेंज ऑफ द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। ये मैं ऑलरेडी अभी पहले बता चुका था इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बारे में कि जहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो अट्रैक्शन रहता है। जैसे एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर और ये ब्लैक तक, यहाँ तक इसकी रेंज है, यहाँ तक ये अट्रैक्ट करता है। इसके बाद जो है पॉइंट अगर इसके आगे नहीं हो पाते तो यहाँ तक जो है दिस रेड से यहाँ तक आप ये कह सकते हैं दिस इज द रेंज ऑफ द इंटरमॉलिकुलर फोर्स। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप मतलब अर्थ से सन तक या अर्थ के एक मेरे घर से सपोज दूसरे के घर है A1 मीटर पे या 2 मीटर पे, तो उस पर फोर्स नहीं लगी। इसकी मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ जो मॉलिक्यूल रेंज में एग्जिस्ट करते हैं तो वह -10 मीटर पे ही क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, 1 मीटर पे भी काम नहीं करेगा, इसे शॉर्ट रेंज फोर्स है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू द रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स अबाउट अ गिवन मॉलिक्यूल एज सेंटर इज नोन एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी कि एक ये स्फीयर है, इसका रेडियस ये है और यहीं तक ये अक्सर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसकी 4 इंच, तो ये इस स्फीयर के दैट इज नोन एज दिस पॉइंट, जिस पॉइंट जैसे मैंने ये पॉइंट दिखा रखा है, इसमें ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ तक कहा जाएगा जहाँ तक ये पूरा रेड हमारा स्फीयर बना है। इस तरीके से हम इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे। और अगर कोई लिक्विड है हमारा, सपोज हमारा लिक्विड बना है, ये लिक्विड आपने एक उसमें भरा, जैसे यहाँ पे मैं इस डायग्राम दिखाता हूँ, यह लिक्विड बना है और इसके टॉप फ्लो टॉप पोर्शन पे ये दिस जो रेड लाइन बनाई मैंने, ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की रेंज होगी, जैसे एक मॉलिक्यूल की, तो ये टॉप फ्लोर पे एग्जिस्ट कर रही है बिल्कुल टॉप पे, इसे क्या कहा जाएगा, इसके आपका थिन फिल्म कहा जाएगा, दिस इज नोन एज अ थिन फिल्म। अ थिन फिल्म लिक्विड नियर द सरफेस हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूल रेंज, मॉलिक्यूल रेंज ऑफ द लिक्विड इज नोन एज अ सरफेस फिल्म। ये अभी मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ रेड दिखा रखा है, ये जो सरफेस रेंज है यानी कि ये जो ब्लैक है ऊपर ये रेड दिखा रखी, ये जो है आपका ये पूरे लिक्विड के ऊपर जितनी बनी है, तो इसे सरफेस फिल्म कहा जाएगा, इस तरीके से इसे कहते हैं। दिस इज द सरफेस फिल्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेनन ऑफ द सरफेस टेंशन, और इसी की वजह से हमें सरफेस टेंशन मिलता है। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल फिजिक्स फॉर यू डॉक्टर आश निज़ाम। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपका फिजिक्स दिन पे दिन इम्प्रूव होता चले जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।